हेलो फूडी पीपल्स, कैसे हैं आप सब? यस, वी स्पंकी सिस्टर्स आर बैक विद अनदर रेसिपी। आज जो रेसिपी है वो बहुत ही हेल्दी, फिट और फाइन सी रेसिपी है। तो आज जो हम बनाने जाने वाले हैं वो है हमारा मूंग पालक की दाल। ये बहुत ही ज़्यादा यमी है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है, सब जने इसे पसंद करते हैं और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में फटाफट से बन जाती है। सो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वही थोड़ा सा बकड़ बकड़ कर लेते हैं यार, मतलब वही बाकी चीज़ें आप लोगों को तो पता ही है जो मैं बोलने वाली हूँ, फिर भी बोलना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जाइए, वीडियो के नीचे ही तो रेड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, जाके क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, तभी तो मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज आपके साथ लेके आ पाऊँगी। उसके बाद रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्दी रेसिपी है यार। और उसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके उसे फटाफट फॉलो कीजिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। आज एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी बात बताने जाने वाली हूँ, ये बुक लवर्स के लिए। तो अगर आप सबको बुक्स पढ़ना पसंद है तो मेरे फ्रेंड सार्थक सहगल की एक बहुत ही अच्छी सी बुक लॉन्च हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगी बुक्स के, और जहाँ पे भी वो सेल हो रही है जरूर जाइए, उसे खरीदिए, पढ़िए, बहुत ही प्यारी सी उसने पोएट्रीज वहाँ पे लिखी है। तो अब वही बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्टाइल में स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। लेट्स गो गाइज। मूंग पालक की दाल बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे मेन है हमारी मूंग की दाल, जिसे मैंने 8 घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो कर रख दिया है। इसे इसी तरह से आपको 8 या 9 घंटे तक भिगोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पक पाती है। उसके बाद हमें जो चाहिए वो है यहाँ पे पालक, इसे भी मैंने वही बहुत अच्छी तरीके से धो करके काट कर यहाँ रख दिया है। उसके बाद हमें चाहिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, नमक आपके स्वाद के हिसाब से, हल्दी, लाल मिर्च, हींग और हमारी दाल बनाने के लिए घी। चलिए फिर अब बनाते हैं इसे फटाफट से। सबसे पहले अब हम अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का एक पेस्ट तैयार करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से कूटने के बाद कुछ इस तरीके का पेस्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम फटाफट एक कुकर चढ़ाकर उसके ऊपर दाल बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर गैस पर मैंने एक कुकर चढ़ाया है, उसके अंदर सबसे पहले हम ये 2 चम्मच घी डालेंगे। घी ऑप्शनल है, आप तेल में भी बना सकते हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि जो दाल वगैरह होती है उसका एक अच्छा सा फ्लेवर घी के साथ बनने पर ही आता है। अब घी डालने के बाद हम दाल में करीब इतना हींग डालेंगे। हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है, हींग ज़रूर डालिएगा। अब हींग जब डल गई, इसके बाद हम फटाफट से दाल के अंदर हमारे ये कटे हुए पालक डाल देंगे। पालक डालने के बाद जो सेकंड स्टेप हमारा होगा, उसके अंदर ये जो हमने कूट कर पेस्ट तैयार किया था लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची का, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फटाफट से, ताकि ये अच्छी तरह से तीनों चीज़ें एक साथ मिलकर पक जाए। अब 1 मिनट तक हमने इस पालक, अदरक, लहसुन और मिर्ची को अच्छे से पकने दिया। अब इसके बाद हम इसके अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमारी जाएगी अंदर हल्दी, उसके बाद लाल मिर्ची, उसके बाद नमक। हम नमक यहाँ थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि हमने नमक उन 3 चीज़ों को कूटते वक्त भी डाला था, और पालक की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें नमक कम ही डालना चाहिए, क्योंकि पालक का अपना भी एक
नमक का टेस्ट होता है। अगर आप पालक की सब्जी बना रहे हैं और नमक ज़्यादा डाल देंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी, तो अवॉइड करने के लिए उस चीज़ को आप हमेशा पालक की सब्जी में कम ही नमक डालें पहले से ही। अब थोड़ी देर पकने के बाद हम इसके अंदर हमारी ये मूंग की दाल ऐड कर देंगे। दाल डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम फटाफट से कुकर का ढक्कन लगाकर दो सीटी लगने तक इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा तेज़ नहीं ज़्यादा धीरे नहीं, मीडियम फ्लेम पे दो सीटी तक हम इसे पकाएंगे और फिर हमारी बढ़िया हेल्दी सी दाल बनके रेडी हो जाएगी। तो अब हमारी यमी हेल्दी पालक मूंग की दाल बनकर रेडी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा यमी दिख रही है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। यू नो, हम तो हैं राजस्थानी, हमें हर चीज़ इसी तरह से यू नो मक्खन मलाई मार के ही पसंद है, और जब तक यू नो हमारे डिशेस में कम घी तेल दिखता है ना, हमें तो मज़ा ही नहीं आता है सच में। तो हम हमारी चीज़ें हमेशा यू नो बहुत रिच होती है, खाना पीना हमारा काफ़ी अच्छा हेल्दी फेल्दी सा रहता है, रिच रहता है। सो, इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये रेसिपी, क्योंकि इसके अंदर दाल है, इसके अंदर पालक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा यू नो रिच इन प्रोटीन, रिच इन मिनरल्स दाल है। आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई कीजिए, खाइए, मस्त गर्मा गर्म रोटियों के साथ खाइए। सर्दियों के लिए भी काफ़ी अच्छी डिश है, अगर सर्दियों में इसे ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गर्म गर्म सोगरे, एकदम घी में चूर सोगरे के साथ इसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा मज़े आते हैं। और अगर गर्मियों में खा रहे हैं तो इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ भी खा सकते हैं, कैसे भी खाइए, किसी के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बना के खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा यमी ही लगने वाली है। तो फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो हम स्पंकी सिस्टर्स बहुत जल्द आपके साथ एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ वापस आएंगे। मीनवाइल सी यू सून, बाय बाय।